किया था। इस साल भी उन्होंने इस मस्जिद का ख्याल करते हुए जो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गिफ्ट बैग दिए जाते हैं उसको सैंक्शन कराया और 25 रमज़ान मुबारक आज के रोज़ यहाँ पर तशरीफ़ लाए और तमाम लोगों में उन्होंने अपने हाथों से गिफ्ट बैग तकसीम किए। हम हुकूमत का और ख़ास तौर पे हमारे कारपोरेटर मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इसी तरीके से हर साल जो हुकूमत की तरफ से स्कीमात निकली जाती हैं वो इस मस्जिद का ख्याल करें और तमाम मोमिनीन की खिदमत में, तमाम अहले इस्लाम की खिदमत में रमज़ानुल मुबारक की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ रमज़ान गिफ्ट बांटने के लिए मैं इधर आई हूँ। पिछली बार भी मैं इधर आके रमज़ान गिफ्ट सबको बांटी। मुस्लिमों में, माइनॉरिटियों में जो गरीब हैं उनके लिए ये रमज़ान का तोहफा लगाया है। जिनको जो रियली डिजर्व्स, जिनको कपड़ों की जो त्यौहार नहीं मना सकते उनकी गरीबी की वजह से, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम रखा है। जिनको ज़रूर मिलनी चाहिए, उनको मिलना है, ज़रूर मिलेगा सबको। सबको ये त्यौहार अच्छी तरह मनाना है, इसकी वजह से मैं यहाँ रमज़ान के तौर पर पाने आई हूँ। इधर आके अच्छा लग रहा है, यहाँ का माहौल अच्छा है, ठंडी है, नीचे तो बहुत गर्मी है लेकिन पहाड़ के ऊपर बहुत ठंडी है, अच्छी लग रही है। पेड़ है, बच्चे सब खुश हैं, त्यौहार भी अच्छी तरह मनानी चाहिए सबको। ईद मुबारक हो, रमज़ान विशेस फॉर ऑल इंडियंस। सैयद अहमद अली सहीदी साहब, मोहतरमा मेहराज फातिमा, सकीना बेगम, जाफर, धन भाई आइए, धन भाई।